हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज। गाइस, हम आज यहां पे एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड में हो रही है। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो पोस्ट मिल रही है वो नॉन एग्जीक्यूटिव की मिल रही है, जीई फार्मेसी की मिल रही है, स्टोर असिस्टेंट की मिलती है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीकॉम, बीएससी, या अगर आपने एमएससी किया है, डिप्लोमा किया है, बीएससी किया है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, उसके साथ मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँगा एक्चुअली नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड ये जो कंपनी, ये क्या होती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपके मन में जो सवाल, क्वेश्चन जो कुछ है गाइस, वो सारे निकल जाएगी, मतलब आपको सारे जो प्रोसेस में आप भी बताऊँगा वो आपको सारे समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जल्द से जल्द जानकारी मिलेगी, उसके साथ आप ही आपको 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास जो सरकारी विभागों में भर्ती निकल के आई है उसका नोटिफिकेशन और उसके वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना, वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करें। आज की जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये हो रही है नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड में। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है नई दिल्ली में हो रही है। यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। जैसे इंजीनियर यहाँ पे शब्द आता है तो समझ लेना चाहिए आपने कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है जूनियर इंजीनियर, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भर्ती है। जो बल्कि मैकेनिकल से अगर आप इंजीनियर किए हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। पे स्केल की यहाँ पे बात करते हैं, 9000 से लेके 16400 आपकी तनख्वाह होगी। नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको 34 पोस्ट मिल रही है, जनरल कैटेगरी को 15 पोस्ट मिल रही है, एससी को 5 पोस्ट मिल रही है, एसटी को यहाँ पे 2 पोस्ट मिल रही है, ओबीसी जो बल्कि नॉन क्रिमिनल पे आते हैं उनको यहाँ पे 9 पोस्ट मिल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 3 पोस्ट मिल रही है। सेकेंड जो पोस्ट है गाइस वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, जिसमें पेमेंट तो एक ही होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 20 मिल रही है आपको। तो गाइस, जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मैंने कैटेगरी के वाइज आपको बताते गए तो ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने इंजीनियर किया है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको 16 पोस्ट मिल रही। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, जिसमें केमिकल लैब में अगर आपने किया है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप केवल ग्रेजुएट हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। उसी तरह फार्मेसी अगर आपने किया है जो 6 नंबर वाला है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, तो गाइस जैसे क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था, तो जूनियर इंजीनियर के यहाँ पे आपको कम से कम 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड जो है गाइस, उसमें रेगुलर 3 साल का अपना डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे पोस्ट है जो मैंने आपको बताया था, जो बल्कि ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तो आप स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ ये जो पोस्ट है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। बीएससी वाले जो कैंडिडेट्स है गाइस, जिन्होंने केमिस्ट्री किया है, तो उनके लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, जो बल्कि केमिकल लैब की तरफ से, अगर आपने बीएससी पास आउट किए हो, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल रही है, ज़बरदस्त मिल रही है, ठीक है। अगर आपकी उम्र कम से कम 21 साल है और कम से कम मतलब 32 ईयर्स तक है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है।
यहाँ पे गाइस आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। ऑनलाइन माध्यम से गाइस जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना है सबसे पहले और आवेदन करना है। पोस्ट अप्लाई पर अपने कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे मैं इसे थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब अभी ये लोड के लिए टाइम ले रहा है, ठीक है, तब तक मैं आपको ये जो बात है बहुत अच्छे से समझाता हूँ। गाइस क्षमा चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था 32 नहीं गाइस, यहाँ पे आपको 40 आई थिंक, अगर आपकी उम्र यहाँ पे जैसे इन्होंने बताई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसका जो उम्र सीमा क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस गाइस, सबसे पहले आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी, फिर आपका मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, नहीं तो सीधा मेरिट लिस्ट लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये फ़ी है। एससी एसटी को यहाँ पे किसी प्रकार की फ़ी देनी नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स हो या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हो तो उनको भी यहाँ पे फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदन की बात करते हैं गाइस, तो 10 मई से ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अंतिम डेट की यहाँ पे बात करते हैं 9/6/2019, मतलब 9 जून 2019 आपको 5:30 बजे से पहले आवेदन करना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आवेदन के लिए गाइस मैंने ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको पोस्ट कौन से आपको सेलेक्ट करने हैं, तो जैसे कोई स्टोर असिस्टेंट, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे बस आप स्टोर असिस्टेंट जो है गाइस Grade 3 वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे नाम डालना है, फिर उसके बाद फादर्स का नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नीचे आने के बाद आपको गाइस यहाँ पे पीडब्ल्यू अगर कैंडिडेट्स तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद सब्सक्राइब रिक्वायर्ड, अगर है तो यस, नो तो नो। अगर आप सर्विसमैन है तो ये आपको बताना है यहाँ पे, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई पूछ रहा है, मतलब अगर आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो गाइस तो आपको मेल आ जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आसान तरीका है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मैं इसे मतलब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आपको आवेदन किस प्रकार करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप एक काम कर लेना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।